हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नंबर फिजिक्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखें क्या देखेंगे, क्लास सेवेंथ का इंटीजर जो चैप्टर चल रहा है उसका लेक्चर नंबर सिक्स देखेंगे। वाओ, ठीक है। अब इसमें क्या है बच्चों कि इसमें हम लोग क्या देखेंगे, ऑपरेटर ऑफ क्या देखेंगे, डी एम ए एस के बारे में देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, ठीक है। ये होता क्या है तो इसके ऊपर देखेंगे कि ये डी एम ए एस क्या होता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। आगे बढ़कर ये जो डी एम ए एस है ना, ये जो डी एम ए एस है वो आपका हो जाएगा ओ डी एम ए एस से ये कन्वर्ट हो जाएगा ना। तो सबसे पहले हम इसके बारे में पहले पढ़ लें, उसके बाद दो जो चीज़ होगा वो अगले लेक्चर में पढ़ लेंगे। क्लियर बच्चों? तो वैसे फ़िलहाल ये पढ़ेंगे, इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन के बाद इसका एक्सरसाइज आएगा, इस एक्सरसाइज के बाद तो हम इसको पूरा अच्छी तरह से देखेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग सिर्फ थोड़ा सा ही देखेंगे, 1 से 5 तक क्वेश्चन को लाएंगे और उस पर इस रूल का अप्लाई करके ईजिली सॉल्व करेंगे बच्चों, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो में और पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए बच्चों, चलते हैं स्टार्ट। जो देखते हैं क्या है ये चीज़, ठीक है। तो डी एम ए एस होता क्या है ना, डी एम ए एस, ठीक है। तो डी एम एस क्या होता है, डी का मतलब होता है डिवाइड या डिवीजन, इसको हम ऐसे साइन से लिखते हैं और कहीं कहीं ऐसे भी और कहीं ऐसे डिवाइड के फ्रैक्शन के ठीक रूप में लिखते हैं, ठीक है। और एम फॉर क्या है, एम फॉर है आपका मल्टीप्लाइकेशन, ठीक है। ये होता है आपका क्रॉस का, जिसमें हम गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। और इसके बाद ये होता है आपका एडिशन, एडिशन मतलब होता है आपका जोड़ ना, प्लस करना, ठीक है। ये होता है आपका सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है क्या, माइनस, ठीक है। तो जो क्वेश्चन अभी आएंगे ना, उसमें देखो पहला आपको क्या करना है, ये जो है आपका स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है, ये स्टेप 3 है, ये स्टेप 4 है। ऐसे स्टेप पे करते चलेंगे, क्वेश्चन को स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 का यूज करके लास्ट में आपका क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा, जो बहुत ही प्यारा होगा और बहुत ही खूबसूरत होगा। तो ठीक है बच्चों, चलते हैं उस क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ये रूल अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, बने रहे वीडियो में, चलते हैं क्वेश्चन को। ये रहा आप क्वेश्चन आपके सामने, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे हमने 1 से 5 तक को क्वेश्चन लेके आए हैं, इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इस डी एम ए एस रूल का यूज को अच्छी तरह से सीख लेंगे, ठीक है। और इसको आप एग्जाम में अपने अच्छी तरह से लगा सकते हैं बच्चों। तो चलते हैं एक एक करके एकदम पूरा बेसिक से एक्सप्लेन करके बढ़िया से बताएंगे, अगर नहीं कभी पढ़ें तब भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ कह रहे हैं कि करीब 1 से 3rd तक या 4th तक जो भी लेक्चर इसके पहले वाले उसका नोट्स नहीं मिला है, उसका नोट्स आज या कल तक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा, आप उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बच्चों बताइएगा, ठीक है। अगर इतनी मेहनत से बता रहे हैं समझा रहे हैं, नोट्स दे रहे हैं, थोड़ा और भी अच्छी तरह की कुछ फैसिलिटी दे सकते हैं, ठीक है। अगर इतना कर सकते हैं तो थोड़ा और नहीं कर सकते, आप लोगों के लिए क्यों नहीं कर सकते, ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं आगे देखते हैं, एक एक क्वेश्चन को हम बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। अच्छी तरह से यहाँ से क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, समझेंगे भाइयों, ठीक है। इन दो इसके बीच में लगाएंगे, क्योंकि हो सकता है हम यहाँ तक बढ़ जाएँ और आपके स्क्रीन पे दिखा ना दे, ठीक है। तो यहाँ तक हम नहीं बढ़ेंगे कि हो सकता है कि स्क्रीन पे ना दिखाए ना, तो इसके और इसके बीच में ही हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है प्यारे भाइयों दोस्तों। तो ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 कैसे इसको लगाएंगे और इसका यूज कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर ये रहा आपके सामने, 24-4 डिवाइडेड बाई 2 × 3 है, बहुत ईजी है न बच्चों। सबसे पहले आपको क्या करना है ना, सबसे पहले आपको डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई,
फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकेंड स्टेप है, ये थर्ड स्टेप है, ये आपका फोर्थ स्टेप है। इसके बाद आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, देखो बच्चों, यहाँ 4/2 है, तो इसमें हमको क्या क्या करना है, यहाँ पे डिवाइड करना है, ठीक है। पहले में क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। उसके बाद जो आएगा फिर देखा जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, अब जो दिया है ये नंबर दिया है, तो इसको नीचे ही राइट कर लेंगे, ये ना कि इसको इधर लिख दिया, इसको इधर, ऐसे नहीं, जो जैसे उसको नीचे ऐसे राइट कर लीजिए और कहीं मत ले जाइए। तो यहाँ 24 हो गया माइनस, ठीक है, और 4 और डिवाइडेड बाई 2, तो मतलब 4 में 2 से हमको डिवाइड करना है। तो 4 में 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, और जो इंटू 3 है यहाँ पे इंटू 3 को हम राइट कर देंगे। देखो जैसे था वैसे हमने राइट किया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखो क्या करना है। अब हमारा प्रयास क्या है, ये तो हो गया, अब बचा क्या है, मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई देखो यहाँ पे है इन दो नंबर्स के बीच में, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 4 -2 × 3, तो 2 3 6 ना, 2 3 6, क्लियर। अब हमें क्या करना है, ये भी हो गया, एडिशन करना है, लेकिन यहाँ पे एडिशन दिया नहीं है, जो चीज़ ना दिया हो उसको छोड़कर आगे बढ़ जाइए, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे एडिशन नहीं दिया था, इसको छोड़ दीजिए, सब्ट्रैक्शन दिया है, सब्ट्रैक्शन कर लीजिए ना, लेकिन रूल वही होगा हमेशा, ठीक है, रूल हमेशा वही होगा, ठीक है। तो 24 में से 6 को माइनस करेंगे कितना आएगा, 18 आएगा, ये आपका क्या है, आंसर है, क्लियर बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चलते हैं सेकेंड वाले क्वेश्चन पे, चलते हैं बच्चों सेकेंड वाले क्वेश्चन देखते हैं, एकदम बढ़िया से देखेंगे, मजे से देखेंगे, बढ़िया से देखेंगे, तो ठीक है, चलते हैं बच्चों, ठीक है। तो ठीक है, आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको भी देखते हैं ना, एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा, मैथ से डरना छोड़ देंगे आप लोग, आपको मैथ बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों, ठीक है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट पूरा खाली है आप लोगों के लिए, कर सकते हैं, पूरा भर दीजिए कमेंट जितना करना हो, ठीक है, ठीक है। तो चलते हैं सेकेंड वाले देखते हैं क्या है, -20, ठीक है, +-8, फिर डिवाइड में है, फिर क्या है, -2, फिर × 3। अब देखो इसको कैसे करेंगे बच्चों ना, यहाँ देखो क्या है, -8 है, डिवाइड -2 ना, तो देखो डिवाइड आपका यहाँ पे है, यहाँ पे। तो पहले हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, और डिवाइड कहाँ पे है, इन दो नंबर्स के बीच में, देखो छुपा हुआ है ना, तो इस छुपे हुए डिवाइड को निकाल कर 2 से काट देंगे, ठीक है, 2 से काटेंगे ना। तो यहाँ पर कैसे क्या करेंगे, जो चीज़ दिया है उसको नीचे राइट कर लो, तो -20, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है, माइनस है, डिवाइड है, माइनस, हमने पहले ही बताया था कि माइनस डिवाइडेड माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है ना, माइनस डिवाइडेड बाय माइनस क्या हो जाता है, प्लस होता है, लेकिन बच्चों सिर्फ साइन प्लस होता है, ये ना कि 8 और 2 को ऐड कर देंगे, ऐसे कभी भूल कर भी मत करना आप लोग, नहीं तो अपने आप कट बैठेंगे ना, अपना आप गला खुद काट बैठेंगे, तो ऐसे आपको नहीं करना है, आप -8 में -2 से डिवाइड कर देंगे, तो ठीक है। तो माइनस और डिवाइड में माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्लियर। 8 में 2 से डिवाइड करेंगे कितना होगा, 2 आएगा ना, 2 नहीं 4 आएगा, तो यहाँ पे नंबर्स में डिवाइड होगा लेकिन साइन आपका प्लस हो जाएगा बच्चों, ये चीज़ ध्यान देना, साइन आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये डिवाइड होकर 4 हो जाएगा ना। तो आप यहाँ पे 4 भी लिख सकते हो, चाहे +4 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ पे क्या है, × 3 है, तो इसको नीचे ही हम क्या कर लेंगे, राइट कर लेंगे बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं, अब क्या है देखो, -20 है, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस ही रहेगा, 4 3 12, क्लियर बच्चों, 4 3 12। अब ये क्या आ गया, अब यहाँ पे तो आप लोग गलती कर बैठते हैं ना, जो लोग जानते हैं ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा बच्चे यहाँ पे गलतियाँ कर बैठते हैं ना। तो कैसे क्या करते हैं वो लोग, ये माइनस है तो 20 और 12 को ऐड कर देंगे, कह देंगे ये 2 है, ये 3 है, आपका आंसर आ गया।
तो बच्चों ऐसे नहीं होगा, होगा कब होगा, देखो जब ये ब्रैकेट में होता ना तब ये आपका आंसर सही होता, लेकिन यहाँ पे ये क्या है, ब्रैकेट नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे हम इसको ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे सर आप ही बताइए ना। तो ठीक है, हम बता रहे हैं कैसे होगा। तो देखो ये देखो क्या है, माइनस 20 ना, इसके सामने माइनस लग गया तो ये एक अलग चीज़ हो गई नो, अगर माइनस लग गया तो ये बहुत अलग चीज़ हो गया, ये प्लस में है तो ये नंबर्स कुछ अलग है। ठीक है, ये सेम नहीं, एक दूसरे के अपोजिट है, कट पिट मरने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे हम इसको ऐड। अच्छा ये बताइए, क्या एक दूसरे के अपोजिट जो होते हैं वो कभी जुड़ते हैं? अगर जुड़ते भी होंगे तब भी दुश्मन ही होंगे। ठीक है, तो ऐसे में नंबर्स के भी साथ होता है बच्चों ना, अगर ये माइनस है ये प्लस है तो ये कभी नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, कहीं भी नहीं होंगे, कट पिट मरेंगे, जो ज़्यादा होगा वो उसके पास बचा रहेगा, जो कम है वो पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो देखो ये 12 है, ये 20 है ना, ये आपका दुश्मन है, ये आप हैं, आपके पास कितने टोटल आदमी हैं 12, अब इसके पास कितने हैं टोटल 20 है। जब यहाँ पे 20 है ये 12 है, तो 20 में से जो 12 लोग हैं इसको मार कर देंगे, 20 में से जो 12 लोग हैं मार देंगे, तो इसके पास बचेगा कितना, 8 बचेगा, 8 लोग बचेंगे, वो 8 लोग क्या बचेंगे, किस में बचेंगे, माइनस में बचेंगे, तो आपका क्या आएगा आंसर, -8 आएगा। क्लियर, कितने अच्छे से बताएं, शायद क्लियर हो गया होगा आपका ना, पूरा ये ब्रेन का सिस्टम आपका समझने में आसानी से समझ गया होगा बच्चों। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, अगर नहीं समझ में आया तब आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसके ऊपर, इंटीजर्स के ऊपर, माइनस के ऊपर हम एक और वीडियो आप लोगों के लिए ला कर रहेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं थर्ड वाले पर। ठीक है, तो ठीक है, तो ठीक है बच्चों, चलते हैं थर्ड वाले पर। आप लोग हमारा हाल तो देख ही रहे हैं, पूरा पूरा भीजे हुए हैं, पूरा एकदम भीज गया है, सेट और जितना सब भीजा हुआ है ना, इतना गर्मी हो रही है, इसलिए हो रही है क्योंकि ये मैं जो वीडियो बनाता हूँ ये दिन के टाइम बनाता हूँ, रात के टाइम मैं नहीं बनाता हूँ। वो कारण ये है कि अभी जो लाइटिंग की जो व्यवस्था है वो अभी नहीं है। ठीक है, लगे हैं, देखो कब हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हर चीज़ को बंद करके ना, यहाँ पे एक खिड़की है तो उससे उजाले आते हैं, तो जो आता है उसी से मैं पढ़ा सक पाता हूँ। ठीक है, तो ठीक है, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो बहुत कुछ बदल सकता है। ठीक है, तो ऐसे हमको भेजना भी नहीं पड़ेगा, और ऐसे हमें सुबह जल्दी उठकर उठना, तुरंत वीडियो बनाना ऐसा नहीं करना पड़ेगा, अपना सुबह दिन में कुछ और काम कर लेंगे, आप लोगों के लिए नोट्स अच्छी तरह बना लेंगे और रात में वीडियो शूट कर सकेंगे। ठीक है, तो ऐसा फ़िलहाल तो नहीं है ना, अब पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लगे हैं, देखो क्या होता है। ठीक है, तो चलते हैं, चलते हैं आगे ना, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। ठीक है बच्चों, 3 पर चलते हैं और देखते हैं क्या है। यहाँ देखो -5 है, माइनस, फिर -48, ठीक है, फिर क्या है, डिवाइड है प्यारा सा -16। ठीक है, फिर प्लस -2 × 6 है। अब इसको देखते हैं, ठीक है, ये क्या है। तो सबसे पहले आप नज़र घुमाइए और यहाँ देखिए, ठीक है, यहाँ देखिए ध्यान से, डिवाइड यहाँ छुपा हुआ है ऐसे थोड़ा कि कोई देख ना पाए लेकिन नज़रें पहुंच जाती है बच्चों ना। क्लास में क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं ऐसे छुप के बैठे होते हैं ना, लेकिन बच्चों एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो क्लास में टीचर होते हैं ना उसको हर चीज़ पता होता है कि बच्चा क्या कर रहा है, कौन बच्चे क्या क्या करते हैं, वो सब चीज़ जानता है, लेकिन वो इग्नोर करता है, ये जान लेना आप लोग। ठीक है, क्योंकि क्या करेंगे ना, बोल भी सकते हैं ना, समझा सकते हैं, ऐसा नहीं नहीं समझेंगे, समझाएंगे भी, लेकिन तब भी वो हर चीज़ जानते हुए भी कुछ चीज़ें हैं जो वो इग्नोर कर देता है। ठीक है, हर टीचर हो चाहे कोई भी टीचर हो, ठीक है, तो बच्चों तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो टीचर होते हैं ना वो एक प्रकार से मान लीजिए आपके क्लास में अगर है पढ़ा रहे हो, तो जितने बच्चे हैं कोई बच्चा क्या कर रहा है पूरी नज़र सब पे रहती है, ये जान लीजिएगा आप। ठीक है, तो चलते हैं, बढ़ते हैं ना, तो ठीक है बच्चों
तो आज अब से अभी से अब ऐसा आप लोग मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि टीचर को हर चीज़ पता होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है, -5 है, तो इसको हम पहले यहाँ पे नीचे इसको राइट कर लेंगे, ठीक है, ये माइनस है इसको भी नीचे राइट कर लेंगे। अब यहाँ पे जो डिवाइड दिया है पहले इसमें हम डिवाइड करेंगे ना, तो यहाँ पे देखो क्या है, माइनस डिवाइड माइनस है, तो माइनस डिवाइड माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस होता है, तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब प्लस होगा तो ये डिवाइड माइनस डिवाइडेड माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा, बट नंबर प्लस नहीं होंगे, नंबर में जैसे डिवाइड दिया है डिवाइड ही रहेगा। तो 48 में 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 3 जा 48 होता है ना, तो यहाँ कितना आया, 3 आया, और यहाँ प्लस है, ठीक है, और जैसे दिया है इसको हम उतार लेंगे नीचे राइट कर लेंगे, हमारा डिवाइड हो गया। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो जैसे ये नंबर दिया है इसको नीचे आपको राइट कर लीजिए, ठीक है। तो देखो माइनस है ये प्लस है, तो कहेंगे सर कहाँ प्लस है, प्लस दिया ही नहीं है, लेकिन बच्चों अगर यहाँ पे 6 लिखा है तो ये क्या है, प्लस में ही है ना, जैसे 5 रुपये अगर आपके पास सिक्का है या नोट्स है ना, क्या उस पर -5 रुपये लिखा होता है, नहीं लिखा होता है, क्यों, क्योंकि प्लस ऑलरेडी रहता है, वो प्लस में रहता है ना, ठीक है, तो प्लस में रहता है, तो कोई ज़रूरी नहीं है वहाँ पे हम प्लस साइन लगाए, ठीक है, कभी देखे हैं, अगर देखे हैं तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो अगर प्लस यहाँ पे नहीं दिया है तो इसका मतलब ये प्लस है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस और प्लस मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है, -6 2 जा 12, प्लस माइनस प्लस मल्टीप्लाई के माइनस और 2 6 जा 12, ठीक है। अब देखो क्या है, ब्रैकेट सबका है, सबको हटा दीजिए, -5 प्लस माइनस प्लस मल्टीप्लाई हुआ -3 प्लस माइनस मल्टीप्लाई हुआ -12। अब यहाँ देखो सभी क्या है, सभी क्या है, एक ही साइड के हैं, मतलब एक ही लोग हैं ना, देखो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, अगर एक बिरादरी के जो होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं, चाहे कितनों भी झगड़ा क्यों ना हो, लड़ाई क्यों ना हो, जब कोई बात दूसरी बाहर किया जाती है ना तो आपस में जुड़ जाते हैं, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो वैसे ये भी क्या है, कुछ भी हो दिखने में होलिया अलग अलग है, नंबर अलग अलग है, इससे नहीं मतलब, मतलब यहाँ पे क्या है कि ये देखो सेम है, सेम साइन के हैं, तो ये हमेशा क्या होंगे, ऐड होंगे, लेकिन वो माइनस ही रहेंगे, ठीक है। अगर जो हैं एक साइड की बिरादरी जो है, जो एक लोग जैसे हैं, सब अगर ऐड होंगे तो क्या वो अलग बिरादरी खो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं, वो ही रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब ऐड होंगे तो सेम माइनस ही रहेगा, और इसको ऐड कर लेंगे, 5 3 कितना हो गया, 8 हुआ, और 12 कितना हो जाएगा, 20, तो यहाँ लिख देंगे कितना, 20, ये आपका आंसर आ गया बच्चों, क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, क्वेश्चन नंबर 4 को चलते हैं, देखते हैं क्या है ये भी। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, -10 है डिवाइड 5 × -1, क्लियर बच्चों, -9 फिर डिवाइड, फिर -9 ब्रैकेट में है, इंटू है, -10 है, फिर डिवाइड 5, ठीक है। ये क्वेश्चन हम अपने से लाए हैं आप लोगों के लिए, ठीक है ना मज़ेदार, ठीक है। तो ऐसे ही हम क्वेश्चन लाते हैं अपने से बना करके पूरा बढ़िया से, ठीक है। तो यहाँ पे एक और है, उसको लास्ट में देखेंगे, तो चलते हैं पहले देखते हैं, डिवाइड यहाँ पे है, और डिवाइड देखो यहाँ 2 नंबर्स में है, और डिवाइड यहाँ 2 नंबर्स में है, देखने को मिला बच्चों, मिला होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हम डिवाइड करेंगे पहला स्टेप, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो चलते हैं स्टार्ट करते हैं ना, ये देखो माइनस है, ये प्लस में है, प्लस नहीं दिया है तब ये क्या है, प्लस में है, तो माइनस डिवाइडेड बाय प्लस क्या हो जाता है आपका, माइनस हो जाता है ना। तो ऐसा नहीं कि 10 में से 5 को माइनस करेंगे, ऐसा नहीं, नंबर्स में डिवाइड होगा लेकिन साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका माइनस, ये प्लस में हुआ तो कितना हुआ, माइनस, 10 में 5 से डिवाइड किया कितना आया, 2 आया, क्लियर बच्चों। ये इसको हम ऐसे नीचे हम इसको राइट कर ले रहे हैं ना, ठीक है। अब देखो माइनस है, माइनस लगा देंगे,
अब इस नंबर्स में देख सकते हैं ना, अगर माइनस लगा रहे हैं तो देखो एक चीज़ और ध्यान देखो मिला यहाँ पे ना, देखो ये देखो माइनस है, डिवाइड माइनस है, ठीक है। अगर माइनस को लेकर अगर डिवाइड कर रहे हैं तब भी आपका आंसर सही आएगा, अगर यहाँ माइनस को यहाँ पे छोड़ के प्लस नाइन को ले रहे हैं, जैसे देखो यहाँ पे क्या है, माइनस नाइन है, डिवाइड है माइनस नाइन, ऐसे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसको लेंगे तो प्लस हो जाएगा, नाइन नाइन डिवाइड करेंगे वन आया, ये तो ठीक है। अगर आप इसको नहीं ले रहे हैं ये माइनस, ठीक है, तो ये माइनस है तो ये माइनस रहेगा ही आगे। अगर इसको आप नहीं ले रहे हैं सिर्फ इसमें इसमें डिवाइड कर रहे हैं तो ये तो आप प्लस मानेंगे फिर, अगर ये आप माइनस नहीं ले रहे हैं तो इसको आप प्लस मानेंगे। तो अगर प्लस डिवाइडेड बाई माइनस है तो आपका माइनस आ जाएगा, और नाइन नाइन में मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो वन आएगा, और फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस वन, ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आप चाहे जैसे भी सॉल्व करिए लेकिन साइन को ध्यान देना है, ठीक है। वैसे तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आते हैं ना, ये जो रूल है, ये बेसिकली आपका साइन के ऊपर ज़्यादा डिपेंड रहता है, ठीक है। मल्टीप्लाई गुणा भाग तो सब लोग कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन साइन को देखते हुए आपको करना है, इससे आपका दिमाग बहुत तेज़ होगा। जो ये ऐसे ही नंबर्स के ऊपर क्वेश्चन नहीं होंगे ना, आप एलजेब्रा जब पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति पढ़ेंगे, कैलकुलस पढ़ेंगे, वहाँ पे भी जब साइन प्लस का माइनस जब आता है तो यही रूल काम देता है, ठीक है बच्चों। आगे क्लास में बहुत ही काम देगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ठीक है, हम यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, माइनस डिवाइड माइनस लेकर प्लस कर दे रहे हैं, नाइन नाइन से डिवाइड करेंगे कितना आया, वन आया, ठीक है। अब यहाँ इंटू टेन है ना, इंटू है, अब यहाँ देखो माइनस टेन है, ये प्लस टेन है, प्लस नहीं दिया है पर है बच्चों ना, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ पर टेन में फाइव से डिवाइड किया कितना आया, टू आया, क्लियर। यहाँ पर प्लस है, अगर माइनस प्लस में डिवाइड करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और टेन में फाइव से डिवाइड करेंगे तो टू हो जाएगा, यहाँ तो क्लियर हो गया बच्चों। अब क्या करेंगे कि माइनस इंटू माइनस, अब हमने डिवाइड तो हो गया क्लियर, अब हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई यहाँ पे है और यहाँ पे है, इन दो नंबर्स के बीच में है, इन दो नंबर्स के बीच में मल्टीप्लाई है, तो हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस टू बन जा टू। अब ये प्लस है इंटू माइनस तो क्या हो जाएगा, माइनस टू वन जा टू, क्लियर। एक ये आपका क्या हो गया, प्लस में आया, एक आपका माइनस में आया, दोनों क्या है, सेम है, एक प्लस में एक माइनस में, दोनों ये आपके आपस में क्या है, अपोजिट हैं, तो क्या होंगे, कट पीट के मर जाएंगे, बचेगा कि क्या, सिर्फ जीरो, ये आपका आंसर आया, क्लियर बच्चों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव, ठीक है, आई होप अच्छे से समझ आता होगा, अगर तब भी नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत हो रही है तो बताइएगा आप लोग, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की ओर, क्वेश्चन नंबर फाइव को चलते हैं देखते हैं बच्चों ना, क्वेश्चन नंबर फाइव को देखते हैं क्या है। देखो माइनस टेन है, फिर डिवाइड माइनस है, फिर माइनस ट्वेंटी, फिर इंटू माइनस टू, ठीक है, फिर प्लस, फिर माइनस नाइन डिवाइडेड बाई थ्री इंटू माइनस टेन, ठीक है। अब इसको देखो क्या करेंगे, देखिए ध्यान से इसको देखो क्या करेंगे, डिवाइड कहाँ दिया है, यहाँ देखो बैठा हुआ है छुप कर, ठीक है, और नहीं कहीं दिया है, तो जैसे नंबर इसको राइट कर लेंगे, ठीक है। जब इसको आप लगाना सीख जाएंगे ना बच्चों, जब इसको लगाना सीख जाएंगे तो आप इसको एक ही लाइन में आंसर बता देंगे, कैसे, क्योंकि आप जब सीख जाएंगे ना तो जो ब्रैकेट रोकेट मल्टीप्लाई दिया है ना, इसको आप पहले ही कर लेंगे इधर ही, ब्रैकेट ये डिवाइड भी बाद में कर सकते हैं, लेकिन वो भी एक रूल होता है ना। अब वो रूल क्या होता है, जैसे देखो यहाँ पे माइनस टेन है, इधर माइनस है ना, तो इससे तो पीछे से कोई मतलब नहीं, यहाँ पर माइनस टेन कर लेंगे, देखो कैसे, ये सवाल हम वैसे ही बता दे रहे हैं एक नए अंदाज में, एक नए तरीके से। देखो माइनस टेन है तो यहाँ माइनस टेन कर दिए, ठीक है। अब देखो ये क्या है, मल्टीप्लाई में है, लेकिन इसके बाद प्लस हो गया है, चाहे माइनस हो गया है, चाहे प्लस है चाहे माइनस है, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, कैसे, देखो माइनस है, माइनस हो गया, ट्वेंटी टू जा फोर्टी, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ये हो गया कितना, फोर्टी हो गया,
प्लस है, प्लस को राइट कर लीजिए। अब 9 में 3 से डिवाइड कर दें तो ये माइनस में 3 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 3 आ गया, यहाँ पे कितना हो गया -10। ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखो -10 ये माइनस प्लस गुणा करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे -40 हो जाएगा। माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस ऑलरेडी दिया है प्लस 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 ही रहेगा 3, और इसमें मल्टीप्लाई का कितना हो गया 30 हो गया। ये देखो माइनस में है, ये भी दोनों माइनस में, ऐड होकर कितना हो जाएंगे 50 हो जाएगा। प्लस कितना है 30, माइनस करेंगे कितना है 20, आ गया आंसर। कितना आसान है, क्लियर बच्चों? -50 है, ये 30 है, तो इसमें 30 जो है 20 को 30 को काट देगा इसमें से, इसमें 30 को ये 30 माइनस तो प्लस में कट जाएगा, इसका 20 बचेगा तो वो आपका -20 हुआ, ठीक है। नहीं तो वैसे हम क्या करते, इसको राइट करते नीचे, इसको डिवाइड कर नीचे उतारते, फिर इसको लिखते, फिर इसको ऐसे सॉल्व करते, थोड़ा यहाँ तक आ जाता ना। क्लियर बच्चों? ये इस रूल के, जैसे हम डायरेक्ट यहाँ बता दिए हैं, आप इस रूल के अकॉर्डिंग जैसे ये है उसको लगा कर आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं कर पाते हैं तो वहाँ पे मैं व्हाट्सएप का लिंक दिया हूँ, ठीक है, उस लिंक पर जाकर सेंड कर दीजिए, ठीक है। ठीक है बच्चों, और भी कोई दिक्कत है तो हमारा फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, मतलब आईडी है, ट्विटर है, और भी सब बच्चे हैं उसमें, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डिस्क्रिप्शन है, आप किसी भी भेज कर बता सकते हैं, हम उसको देखो आपको बता कर भेज देंगे या फिर वीडियो बना कर भेज देंगे, ठीक है। तो हमारा ये लास्ट हुआ, तो आज का क्लास कैसा लगा बच्चों कमेंट करके बताइएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा ज़रूर, ठीक है। अगर आपको इतनी मेहनत से भेज करके बता रहे हैं तो थोड़ा और मेहनत करके और नहीं बता सकते हैं, ज़रूर बता सकते हैं, ठीक है। तो चलें फिर, अब अगले लेक्चर में मिलेंगे आप लोगों से बच्चों, तब तक पढ़ाई करते रहिए और अपने लक्ष्य पे बढ़ते रहिए आगे, ठीक है। अगर देखो ना, अगर देखो 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 बच्चों, अगर देखो ये यहाँ आप हैं, ठीक है, यहाँ नहीं, यहाँ मान लेते हैं, यहाँ पे आप हैं, आपकी मंजिल यहाँ पे है, ठीक है। तो इस पर एक सीढ़ी बनेगी ना, चढ़ते जाओगे बढ़ते जाओगे ना, यहाँ पे है। अब अगर यहाँ पे आपका ये टारगेट है, लक्ष्य है ना, मंजिल है कि हमें ये पाना है, अगर इस रास्ते को सोच लोगे कि ये चीज़ है, ठीक है, अब ये हमें बनना है, ठीक है, तो इस बनने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, तो उस रास्ते पर अगर पढ़ाई जो है, जो जो बनना है उसके लिए पढ़ाई क्या करनी होगी, अगर वो पढ़ेंगे अभी से, अगर अभी से पढ़ेंगे तो देखो क्या होगा ना, अभी से पढ़ेंगे तो ये थोड़ा थोड़ा आप इसके नज़दीक होंगे ना, थोड़ा थोड़ा आप क्या होंगे, नज़दीक होंगे इस रास्ते पर, थोड़ा थोड़ा क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे। जब ये बढ़ते जाएंगे ना, तो ये आप अगर यहाँ आ गए पढ़ते पढ़ते, तो यहाँ से ये आपका डिस्टेंस थोड़ा क्या हुआ, कम हुआ। अब अभी से आप यहाँ उधर उधर इधर उधर भटक रहे हैं, क्या करें क्या ना करें, तब तो आपका वैसे वैसे रहे ना, तो अभी से निकल पड़िए मंजिल, और आपके बीच का जो रास्ता हो वो धीरे धीरे क्या होता हो, कम होता हो, तभी मिल पाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी तो अच्छा लग रहा है ना बच्चों, टाइम गुजर रहा है ना, सोच रहे खेल रहे खा रहे घूम रहे पढ़ रहे स्कूल से आ रहे मस्त हैं, लेकिन बच्चों अभी थोड़ा सा अगर उम्र थोड़ी बढ़ी, क्लास थोड़ा एक दो क्लास आगे बढ़े, उसके बाद टाइम इतना तेज़ निकलेगा कि आपको समझ नहीं आएगा कब रात हुआ कब दिन हुआ, ठीक है बच्चों। तो अभी इस मेहनत करिए, ठीक है, तो चलते हैं, अब मिलेंगे अगली वीडियो बच्चों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत।